व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस फ़ोन का, जो कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये दोस्तों फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया है हमारे पास में अभी आया है, तो इसलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। वैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये फ़ोन जो है ना वो अमेज़ॉन का जो भी रिसेंटली सेल चालू है 2020 का, उसमें ऑर्डर किया और मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में दोस्तों ये फ़ोन मिला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखते हैं कि अमेज़ॉन ने पैकिंग वैकिंग ये सब किस तरीके की भेजी है। सबसे पहले दोस्तों कर लेता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद में देखते हैं कि भाई किस तरीके का पैकेज अमेज़ॉन की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, उसके बाद में फ़ोन के रिव्यू पर बात करूँगा। ऑलराइट, सो गाइज़ ये देखिए मुझे इस तरीके से बॉक्स मिला है इसका। यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ डैमेज तो फिलहाल इतना दिख नहीं रहा है, एक यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बॉक्स ही डैमेज लग रहा है और बैक साइड से थोड़ा ये डैमेज लग रहा है। वैसे गाइज अगर बॉक्स के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो Redmi Note 9 Pro Max फ़ोन बना हुआ है और जो वेरिएंट है वो 6GB वेरिएंट है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। साथ में गाइज इसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ की स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। Snapdragon 720G प्रोसेसर है, 64MP का AI कैमरा है इसमें, 6.67 इंच का डिस्प्ले है और साथ ही में बैटरी यहाँ पर देख सकेंगे आप 33W की फास्ट चार्ज बैटरी है इसमें, 5000mAh की बैटरी है। तो फटाफट से दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करता था, और ऑब्वियसली ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इंटरस्टॉलर ब्रैक है। तो गाइस फटाफट से मैं जो ना इसको अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। बॉक्स को जब मैं खोलूँगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ मिलती है। अब इसमें क्या मिलता है हमें, ओके तो ये तो एक चिली सिम इजेक्टर है। उसके बाद में ये मिलता है हमें एक सिलिकॉन कवर, इसको करता हूँ यार। तो ये देखिए थोड़ी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है गाइस इसकी, थोड़ी चीप क्वालिटी का है, अगर अच्छी क्वालिटी का देते तो और अच्छा होता। इसको साइड में करता हूँ। ये है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो मिलते हैं हमें, इसको भी साइड में रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर से मैं ओके ये एक लिड है, इसको हटा देता हूँ। ओके तो अब आया है हमारा ये फ़ोन, इसको हटाता हूँ मैं, कवर में से निकालता हूँ बाहर। ऑलराइट तो ये देखिए गाइस ये है फ़ोन। वैसे इसको मैं बूट के करने पे रखता हूँ ये, तो जब तक ये बूट होता है तब तक मैं इसको साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर गाइस देखिए हमें मिलता है एक 33W का फास्ट चार्जर, अच्छा खासा बड़ा चार्जर है ये, इसको भी साइड में रखता हूँ। और उसके बाद में मिलता है एक USB टाइप सी केबल। अब बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, अगर हेडफोन्स या ईयरफोन्स मिल जाते थे तो और अच्छी बात होती थी। वैसे तो गाइस इन सब चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ, आता हूँ सीधा अपने फ़ोन के ऊपर। अब फ़ोन जो है ना देखिए दोस्तों ये बूट हो गया है और मैंने इसको सेटअप भी कर लिया है फ़ोन को। तो यहाँ पर बैक साइड में देखिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, ये तो पूरे कंटेंट हो गए। अब चलता हूँ सीधा और बात करता हूँ दोस्तों फ़ोन के और फीचर्स के बारे में। गाइस ये तो हो गई फ़ोन की अनबॉक्सिंग, अब यहाँ पर देखिए फटाफट से बात कर लेता हूँ सबसे पहले फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। अब गाइस इसके रेयर में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो है ना वो कैमरा मॉड्यूल दिखेगा स्क्वायर शेप में, और उसके जस्ट नीचे जो है ना वो आपको फ्लैश सिचुएटेड दिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों कैमरा मॉडल के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा तो इसमें तो एक तो चीज़ ये बताता हूँ, आपको हल्का सा कैमरा बम्प मिलेगा, और हल्का सा भी नहीं थोड़ा ज़्यादा है, अगर इसको थोड़ा कम कर सकते थे तो अच्छा हो जाता था। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो कैमरा मॉडल है, जो कैमरा शेप है, ये बहुत यूनिक तरीके का शेप लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल्स में कैमरा मॉडल आता है वो कॉर्नर साइड में आता है, लेकिन इसमें जो है ना दोस्तों स्क्वायर शेप में एकदम बीच में सिचुएटेड है। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसका जो रेयर की जो फिनिशिंग दी है ना गाइज, ये फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही में ये पूरा ग्लास फिनिश है। और सबसे बेस्ट बात तो ये दोस्तों कि इसके साइड में जो है ना आपको वो कर्व्ड एजेस देखने के लिए मिलते हैं और बहुत शाइन करता है गाइज, अगर आप इसको ऐसा टिल्ट करेंगे हल्का सा तो अच्छा खासा शाइन करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और एकदम ग्लॉसी फिनिश जो है ना वो होती है अगर आप इसको हाथ में ले गए तो। साथ में गाइज फोन के फ्रंट के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ना बीच में मिडिल में आपको इसको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, 6.7 इंच का जो है ना आपको पूरा डिस्प्ले मिलता है, और इसमें बेजल्स बहुत कम है, सिर्फ थोड़ा सा चिन है यहाँ पर, लेकिन उससे जो ना दोस्तों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होगे नहीं। इसका 6.7 इंच का डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा रेशियो जो ना वो डिस्प्ले का यूज़ करने के लिए मिल जाता है। साथ में गाइस अगर मैं आपसे बात करूँगा फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में तो यहाँ पर देखिए आपको साइड में जो है ना इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको रेयर में नहीं मिलता। इन डिस्प्ले भी जो है ना दोस्तों वो अभी बंद ही हो गया ऑब्वियसली। और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना दोस्तों पर्सनली मुझे ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा और बहुत रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर मैं आप टच करता हूँ डिस्प्ले को और यहाँ पर डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने अंगूठे से यहाँ पर ऐसे टच किया और ये डिस्प्ले ऑन हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टच डिस्प्ले इसका। और साथ में गाइस इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, आपके सामने जस्ट अभी फेस अनलॉक करके देखता हूँ। देखिए ये है फ़ोन,
हाँ फेस अनलॉक भी गाइज इसका वैसे काफ़ी अच्छा है। साथ ही मैं गाइज बात करूंगा कलर वेरिएंट की, तो इस वक्त मेरे पास में जो कलर वेरिएंट है वो इंटरस्टॉल और ब्रैक है, इसमें दूसरे भी कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। और पर्सनली गाइज मुझे ये कलर वेरिएंट जो है ना वो बहुत अच्छा लगा है, अच्छे से शाइन मारता है बहुत। लेकिन गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, इसको पता नहीं इंटरस्टॉल और ब्लैक क्यों कहा जाता है, आई डोंट नो। अब गाइज मैं आपसे बात करूंगा इस फोन के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले में आपको दोस्तों कोई भी ब्लोटवेयर ऐप्स नहीं मिलेंगे, कोई भी चाइनीज ऐप्स नहीं मिलेंगे जो पहले आते थे प्री लोडेड। तो यहाँ पर दोस्तों अब उसका टेंशन है नहीं, आप सेटअप कीजिए फोन को और उसके बाद में आप खुद से अपने मनपसंद के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन अगर इसमें LED डिस्प्ले मिलता तो और अच्छी बात हो जाती थी। लेकिन यहां पर फिर भी दोस्तों LCD डिस्प्ले होने के बाद भी जब आप इसमें अपना वीडियो एंजॉय करेंगे या कोई भी कंटेंट आप इस तरीके का एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है उसमें निराश नहीं होंगे, क्योंकि गाइस जो डिस्प्ले व्यूइंग एंगल है वो एकदम विविड है। और अगर आप वीडियो को देखोगे तो एक एक चीज जो है ना दोस्तों वो आपको एकदम क्लियर नजर आती है, जिसका डिस्प्ले विविड है। इसमें सैचुरेशन बहुत अच्छे है, एक एक कलर जो है ना वो आपको एकदम साफ नजर आता है। तो गाइस डिस्प्ले के हिसाब से मैं इसमें 100% इस फोन को दूंगा, क्योंकि IPS LCD होने के बावजूद भी जिस तरीके का डिस्प्ले परफॉर्मेंस है इस गेम का वो भी एकदम जबरदस्त है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इस फोन के कैमरा के बारे में। तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है। रेयर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, उसके बाद में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, साथ ही में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं पर गाइस फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेल्फीज और वीडियोस के लिए। तो यहां पर गाइस देखिए कैमरे के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त फोन है, मैंने इसके कुछ सैंपल शॉट्स भी लिए हैं और उन शॉट्स ने ऑब्वियसली गाइस मुझे बहुत इंप्रेस किया है, खास तौर से जो इसके नाइट मूड के शॉट्स थे। तो नाइट मूड के शॉट्स ने गाइज मुझे बहुत इंप्रेस किया है, मैंने कुछ सैंपल शॉट्स यहाँ पर लिए है। अगर आप इमेज को थोड़ा सा जूम करोगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको नॉइज नजर आएगी, वो तो आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स में भी नजर आती है। अगर आप फोटो को जूम करोगे तो आपको हल्की हल्की नॉइज नजर आती है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्म किया है गाइज इस फोन ने नाइट मूड के सेक्शन में वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। मतलब मेरे तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, मैंने सोचा नहीं था कि इसका नाइट मोड इतना अच्छा काम करेगा। आप अलग अलग तरीके के अगर आप फोटोज़ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके से जो है ना उसने एकदम अच्छे तरीके से कैप्चर किया ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद में यहाँ जो एक मैंने बाइक का मतलब इमेज क्लिक किया था बैक साइड से, तो वहाँ पर बाइक की सीट के ऊपर जो धूल जमी हुई है नाइट के टाइम पे देखो उसने उसको भी जो है ना वो कैप्चर किया है, मतलब वो भी पता लग रही है कि भाई ये सीट के ऊपर जो है ना बाइक के ऊपर धूल जमी है। तो गाइस कैमरे के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूंगा तो एक नंबर फोन है, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं फुल रेटिंग दूंगा इसको कैमरे के लिहाज से। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा इस फोन के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब गाइस ये जो फोन है ये इस वक्त तकरीबन मार्केट में 16,000 का है, अमेजोन पे इस वक्त इसकी सेल चल रही है तो 16,000 का है, और रिटेल में अगर आप जाओगे तो 17 या 17.5 का शायद मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में कंपनीज में आपको 720G का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देती है, और जो वेरिएंट हमारे पास में है उसमें 6GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर गाइस देखिए हार्डवेयर के हिसाब से फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते यार एकदम हार्डकोर गेमिंग के लिए है, लेकिन गाइस अगर आप एक मॉडरेट गेमिंग करना पसंद करते हो तो ऑब्वियसली ये फोन बेस्ट है। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने इसमें एक हाई ग्राफिक्स गेम भी टेस्ट किया था, पबजी तो ऑब्वियसली भी बैन हो गया है, तो इसलिए मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी दोस्तों इसमें टेस्ट किया था, और उसके बाद में आप यकीन नहीं मानोगे एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ, और उसके बाद में मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गेम को खेला था। उसके बाद में फ़ोन गाइस मैं ये समझ लूँगा कि 1% खाली ऐसा लग रहा था कि शायद फ़ोन हीट हुआ है, लेकिन उसके बाद में ऑब्वियसली फ़ोन इतना ज़्यादा कुछ हीटिंग इश्यूज भी नहीं दे रहा था। गाइस प्रोसेसर जिस तरीके से गेमिंग को हैंडल कर रहा था, 2.3 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर, 8 nm का प्रोसेसर जिस तरीके से गेमिंग को हैंडल कर रहा था वो एकदम आउटस्टैंडिंग था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप सोचोगे कि यार एकदम हार्डकोर गेमिंग कर लोगे, आप आधे एक घंटे तक जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है ना आपको फ़ोन जो है ना वो हीटिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको हार्डकोर गेमिंग के लिए ही कोई फ़ोन चाहिए तो वो आप ऑब्वियसली 865 या 865 प्लस फोन्स के लिए जा सकते हो, और वहाँ पर
ऑब्वियसली आपका बजट भी जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। फाइनल गाइज अब मैं आपसे बात करूंगा इसके सॉफ्टवेयर और बैटरी के बारे में। तो गाइज देखिए सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और रियलमी यू आई का जो लेटेस्ट वर्जन है 11 उसके ऊपर दोस्तों ये काम करता है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्मूथ काम करता है गाइज। क्योंकि जैसे ही मैंने मोबाइल को सेटअप किया था मुझे सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया था। तो गाइज अगर कोई भी अपडेट ऐसे निकलती है तो वो टाइमली बेसिस के ऊपर आपको फोन में मिलती रहती है। तो गाइज MIUI का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एकदम जबरदस्त है। बात करूंगा दोस्तों बैटरी के बारे में, तो इस फोन में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। अब गाइज मैं अगर अपना ओपिनियन दूंगा तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर गौर करेंगे तो मतलब आप अगर सबसे पहले बात जाएंगे कैमरा में तो आपको क्वाड सेटअप मिल रहा है, और उसके बाद में जब आप जाएंगे हार्डवेयर में तो इसमें आपको एक प्रॉपर और अच्छा डिसेंट हार्डवेयर आपको मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन को हैंडल करता है, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को और अच्छा बढ़ाता है। साथ में अगर आप बैटरी के सेक्शन में भी जाएंगे तो उसमें भी आपको 5020 mAh की डिसेंट बैटरी मिलती है जिसको आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। यहां पर गाइस अगर डिस्प्ले में सिर्फ सोचने वाली बात है क्योंकि डिस्प्ले में आपको LED नहीं मिलता है, आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी फोन डिस्प्ले में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो एक होल एंड सोल एक अच्छा पैकेज है जिस प्राइस में आपको यह फोन मिल रहा है। मतलब मुझे नहीं मालूम है या मुझे ऐसा कोई फोन नहीं जानता हूं जो इतने प्राइस ब्रैकेट में आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशंस दे दे, या तो वो रैम में अच्छा देगा और आपको जो प्रोसेसर 600 सीरीज का दे देगा, मतलब कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई फीचर जो है ना दोस्तों वो आपको कम मिलेंगे ही। तो गाइस यहां पर अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से गाइस एकदम गोगो वाली सिचुएशन है, बहुत अच्छी चीज है, आप जाओ तो इसको परचेस कर सकते हो। तो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका परचेस लिंक दे दूंगा, Amazon के ऊपर जाके आप डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हो। सेल के बीच में अगर आप परचेस करते हो तो आपको अच्छा खासा 1-2 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सेल के बाद में कभी आप उधर जाके चेक करते हो तो ऑब्वियसली प्राइस में थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको सपोर्ट करना है हमारे चैनल को तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और जितना हो सके हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए। आगे दोस्तों इंशाल्लाह मैं ज़रूर से इस मोबाइल का जो है ना वो कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा, पूरा कैमरा दोस्तों मैं आपके सामने बताऊँगा कि इसके पूरे स्पेसिफिकेशन है जो भी कुछ है वो पूरा टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।